pull me apart. Do you love me? Do you not? Either way, you had me from the start. किसी महान पुरुष ने कहा था, जिंदगी में उतार चढ़ाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईसीजी में सीधी लाइन का मतलब मौत होता है। जी हाँ, वो कौन महान पुरुष है मैं बताता हूँ, रतन टाटा। और हम आज उस टाटा की नगरी में हैं। टाटा की नगरी मेरे पीछे देख सकते हैं, अच्छे तरीके से आज सजा हुआ है, क्योंकि आज अवसर है 3 मार्च का। 3 मार्च को क्या हुआ था मैं बताता हूँ। 3 मार्च को जमशेद जी का जन्म हुआ था, जमशेद जी नरसेवान जी टाटा, जिनका पूरा नाम है। उनके फादर नौशेरा गांव में जन्म हुआ था उनका, जो कि गुजरात में पड़ता है अभी। तो नौशेरा गांव से वो लोग मुंबई आ गए थे। मुंबई आने के बाद में उन्होंने अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू किया। जमशेद जी, इनका बेटे का नाम था, वो मुंबई आए, अपनी पढ़ाई पूरी की, कम्प्लीट की, और फिर बिजनेस में वो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने लगे। तो बिजनेस करते करते क्या हुआ था, उस समय बिजनेस भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था, इतना आसान नहीं था बिजनेस करना, क्योंकि उस समय अंग्रेज का शासन था और हमें अंग्रेज़ों के टर्म एंड कंडीशन पर बिजनेस करना पड़ता था। तो काफ़ी टफ था उस टाइम बिजनेस करना, खासकर से मुंबई में। लेकिन उसके बाद उन्होंने सोचा कि इस बिज़नेस को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, तो वो यूरोपियन कंट्रीज़ गए, यूरोपियन कंट्रीज़, उसके बाद अमेरिका गए, जापान गए, चाइना गए, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर गए और वहाँ पर अपना ब्रांचेस खोला। पारसी फैमिली में उनका जन्म हुआ और वो पारसी फैमिली को बिजनेस का भी नहीं मालूम था, और आज उनके नाम पर शहर है। सोचिए, जमशेद जी की ये जाता है कि मुंबई के वेस्टर्न होटल में एक बार गया। वेस्टर्न होटल उस समय का बहुत बड़ा होटल हुआ करता था मुंबई में, काफ़ी बड़ा होटल हुआ करता था उस समय के हिसाब से। तो वेस्टर्न होटल में जब टाटा जी गए तो वहाँ पर उन्हें जलील करके निकाल दिया गया। तो जलील करने के बाद, और वहाँ लिखा हुआ था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, सो ये देख करके उन्हें काफ़ी बुरा लगा। उस टाइम में अंग्रेज़ों के ज़माने में डिस्क्रिमिनेशन बहुत हुआ करता था इंडियंस को लेकर के, तो ये देख करके उनका दिमाग ख़राब हो गया और उनका ड्रीम बन गया कि मैं इससे 10 गुना ज़्यादा बड़ा होटल बनाऊंगा। और उन्होंने 11 मिलियन खर्च करके, उस समय पर 11 मिलियन खर्च करके वो होटल तैयार किया। और पता है उस होटल का नाम क्या था? वो होटल मुंबई में है और उस होटल का नाम था होटल ताज। पूरे मुंबई में सिर्फ एक ही बिल्डिंग में बिजली थी उस समय पर, और वो था होटल ताज। वहाँ की लिफ्ट जर्मनी से मंगाई गई थी, वहाँ के शेफ ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, जो हमें खाना। तो टाटा जी बहुत बड़े बिजनेस माइंडेड थे। वो जब भी कहीं पे फैक्ट्री खोलते थे ना, तो वो 3 चीज़ का खास ध्यान रखते थे। सबसे पहला पानी होना चाहिए वहाँ पर, उसके बाद मिनरल ओर, आयरन ओर, ये सब होना चाहिए, और कोयला तो डेफिनेटली होना चाहिए था। तो सबसे पहले उन्होंने कॉटन मिल अपना लगाया था नागपुर में। तो नागपुर में क्या हुआ था कि ये सब चीज़ें वहाँ पर थी, उस समय टेक्सटाइल हब था मुंबई, मुंबई में नहीं लगा करके उन्होंने नागपुर में लगाया, और काफ़ी आलोचना हुआ, सब लोगों ने उन्हें भला बुरा कहा था कि क्यों लगाने जा रहे हो वहाँ पर।
तो लेकिन उन्होंने नागपुर में लगाया और वहाँ पर अच्छा सक्सेस पाया। और जब उनका कॉटन मिल अच्छे से चल गया तब उनके दिमाग में आइडिया आया क्यों ना हम स्टील सेक्टर में कदम रखा जाए। स्टील सेक्टर में उन्होंने कदम रखा और उन्होंने ऐसे जगह को खोजा, बिहार का एक ऐसा गांव को खोजा जहां पर उन्हें पानी, कोयला, आयरन और मिनरल और भरपूर मात्रा में था। सो वो गांव था बिहार का एक जंगल के अंदर, छोटा सा आदिवासी गांव था साक्षी नाम का। वो साक्षी नाम का गांव आए और यहां पे अपना सेटअप किया, सब कुछ मिला उन्हें। और उसके बाद आगे चल करके यहां काली मिट्टी मिलती थी, ज़मीन में बहुत ज़्यादा यहाँ काली मिट्टी है, इसलिए इसका रेलवे स्टेशन का नाम काली माटी रखा गया। आगे चल करके इसका नाम बदल करके टाटा नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया और उसके बाद इसका दूसरा नाम जमशेदपुर भी कहा जाता है। तो ये है जमशेदपुर। सो 1907 में शुरू हुआ था ये सफ़र, ये कारवां आज 114 साल हो गया 2021। और टाटा के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स है, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर कंपनी है, टाटा ग्रुप कंपनी जो कि टिस्को है, टेल्को है, ट्यूब डिवीज़न है, टिस्कॉन है, टिमकन है, टिनप्लेट है और भी बहुत सारा। कौन सी सेक्टर में नहीं है टाटा, मतलब TCS सबसे बड़ा सेक्टर, टाटा नमक, टाटा चाय पत्ती, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस MNC कंपनी है जो कि आज के डेट में टाटा ग्रुप आज के डेट में 4% टैक्स अकेले पे करती है इंडिया का पूरे ओवरऑल GDP में। की बात है या 99 आसपास की बात है, टाटा ने एक नया कार लॉन्च किया था टाटा इंडिका। वो टाटा इंडिका कुछ चली नहीं, मतलब कुछ ज़्यादा फायदेमंद साबित नहीं हुई। तो टाटा इंडिका ने जब नया नया आया मार्केट में तो वो उतना फायदेमंद साबित नहीं हो पाई, जिसके वजह से रतन टाटा ने उन्हें बेचने के बारे में सोचा। बेचने के लिए उन्होंने बिल फोर्ड को कॉन्टेक्ट किया, बिल फोर्ड जो कि फोर्ड कंपनी में मालिक थे फोर्ड कंपनी के। सो फोर्ड कंपनी गए वहाँ पर, वहाँ के हाई लेवल मीटिंग किया, एक मीटिंग मुंबई में हुआ, दूसरा मीटिंग फोर्ड कंपनी के फोर्ड कंपनी में हुआ। तो फोर्ड कंपनी में मीटिंग होते होते जब इन्होंने बेचने का बात किया तो फोर्ड कंपनी वालों के जो स्टाफ थे वो लोग ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि वो लोग बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं इनके ऊपर ऐसा। और एक ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि जब आपको बिजनेस करने आती नहीं है तो फिर आप करते क्यों हैं। इस तरीके की बात सुन करके उन्होंने डील कैंसिल कर दिया और टाटा इंडिका को नहीं बेचा नहीं, उन्होंने वापस से अपने पास रख दिया। उसके बाद क्या किया फोर्ड कंपनी वालों ने, 8 या 9 साल के बाद रिबन लेने का फैसला, ठीक है। तो फिर फोर्ड कंपनी के मालिक ने एक समय दिवालिया होने के कगार पे आ गए थे तो उन्होंने रतन टाटा को कॉन्टैक्ट किया। तो रतन टाटा आए और फोर्ड कंपनी के 2 मेन ब्रांड को खरीदा, जिसमें से जैगुआर एक था और दूसरा लैंड रोवर था। लैंड रोवर को खरीदने के बाद में बिल फोर्ड जो कि कंपनी के मालिक थे उन्होंने आगे से आकर के बोला कि ये खरीद करके आप मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे थे हमारे रतन टाटा जी। और एक